हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर 14 मेंसुरेशन का वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इज 22 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 10 सेंटीमीटर इन विड्थ। इट इज रोल्ड इनटू अ सिलेंडर अलोंग इट्स लेंथ। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। ठीक है, इसको आप एक फिगर से समझिए। जैसे ही आपका एक रेक्टेंगुलर शीट पेपर है, ठीक है, इसका आपका लेंथ कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर दिया है, और ब्रेथ कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है, मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब इसको रोल्ड कर दिया जाता है, किधर से, लेंथ की तरफ से फोल्ड करके इसको सिलेंडर बना दिया जाता है। तो लेंथ हमारा क्या है, इधर वाला है, तो हम इधर से ऐसे क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे। ठीक है, इधर से आपको फोल्ड कर देना, ये ऐसे ऐसे ये फोल्ड हो गया और ये आपका बन गया यहाँ पे सिलेंडर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपको समझना क्या है कि हम किसी भी, तो ये क्या बन गया यहाँ पे, सबसे पहले आप समझे कि कैसा फिगर बना, कर्व सरफेस एरिया बना कि टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे बना। तो ये बना हमारा कर्व सरफेस एरिया बना, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों खाली है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे समझना है कि अगर किसी भी हमको सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, इसका यह तो लेंथ होना चाहिए, यह तो रेडियस होना चाहिए, दूसरा यह तो लेंथ यानी कि हाइट होना चाहिए, और सर्कमफेरेंस हमको यहाँ पे गिवेन होना चाहिए सिलेंडर का, तो हम निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे समझिए कि ये जो हमारा यहाँ पे लेंथ वाइज हमने फोल्ड किया, तो लेंथ यहाँ पे क्या बन गया, सर्कमफेरेंस बन गया, और विड्थ क्या बन गया यहाँ पे, इसका हाइट बन गया। तो इस तरह से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर लिख देते हैं हम, तो यहां पर लिखेंगे लेंथ इक्वल्स टू हमारा क्या बन गया, सर्कमफेरेंस बन गया। ठीक है, ये हमारा सर्कमफेरेंस बन गया, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr होगा। ठीक है, और सर्कमफेरेंस हमारा यानी कि कितना लेंथ हमारा दिया है, 22 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब आते हैं ब्रेथ के पास। ठीक है, तो ब्रेथ हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे हाइट बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने अभी आपको फोल्ड करके दिखाया, और हाइट हमारा कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास अगर सर्कमफेरेंस है और हाइट है, ठीक है, तो यहाँ क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया बोलिए आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका सर्कमफेरेंस है यानी सी इक्वल्स टू हो गया 22 सेंटीमीटर, और ये आपका यहाँ पे हाइट हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब हम इसका निकाल देते हैं, लेटरल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, आप पेपर नहीं लिखें क्योंकि यहाँ पे लिखा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि पेपर को ही हमने फोल्ड करके सिलेंडर का शेप दिया था। ठीक है, अब यहाँ क्या, इक्वल्स टू 2πrh। ठीक है, क्योंकि सिलेंडर हमारा ऊपर नीचे दोनों खाली था, इसलिए हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, या आप लिख सकते हैं लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2πr आपको गिवन है, कितना गिवन है यहाँ पे, 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर इंटू हाइट आपको पता है कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस सिलेंडर का आपका लैटरल सरफेस एरिया है, बोले कर्व सरफेस एरिया कितना निकला, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और सिलेंड्रिकल वेल इज 21 मीटर डीप। ठीक है, एक कुआं है जिसका डेप्थ कितना दिया हुआ है, 21 मीटर दिया हुआ है। कुआं आपने देखा होगा ऊपर और नीचे होता है खाली। ठीक है, नहीं, नीचे होगा पानी और साइड साइड में किया होता है सीमेंटेड। ठीक है, तो यहाँ पे आगे क्या लिखा है, इट आउटर एंड इनर डायमीटर्स आर 21 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, उस कुएं का जो है आउटर डायमीटर कितना दिया हुआ है, 21 मीटर दिया है, और अंदर का डायमीटर कितना दिया है, 14 मीटर दिया है। ठीक है, फिर बोलता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ रिनोवेटिंग द इनर कर्व सर्फेस एंड आउटर कर्व सर्फेस एट द रेट ऑफ ₹25 पर मीटर स्क्वायर, यानी बाहर से और अंदर से उसको फिर से रिनोवेट करना है, फिर से बनवाना है, और कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर कितना लग रहा है, ₹25 लग रहा है। तो बताइए पूरे वेल को रिनोवेट कराएंगे तो कितना पैसा खर्च होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेल निकालेंगे और इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेल निकालेंगे, क्योंकि ये ऊपर नीचे खाली है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया का लगेगा। ठीक है, तो दोनों का हमने एरिया निकाल लिया, एरिया निकाल के हम कर देंगे प्लस, और जितना हमारा एरिया आएगा उसको हम क्या करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो लिखेंगे, सबसे पहले देखिए ये आपका डायमीटर दिया है, उसको हम रेडियस में चेंज कर देते हैं, आउटर रेडियस। ठीक है, तो हमारा डायमीटर कितना दिया हुआ है, 21 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 21 मीटर बाई 2 कर देंगे, ये डायमीटर दिया है, तो हमको इसका रेडियस निकालना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10.5 मीटर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इनर रेडियस। ठीक है, तो हमारा डायमीटर कितना दिया हुआ है इधर का, 14 मीटर, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 14 मीटर बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 7 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम निकाल देते हैं आउटर
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेल। ठीक है, तो ऊपर नीचे कुआं है खाली, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, 2πRh, यानी कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया जो भी आप बोलिए उसका फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना है 10.5 आपका मीटर है, इंटू हाइट हमारा कितना है 21 मीटर है। ठीक है, अब हम इसको कट कर लेते हैं, 7 × 7, 7 × 3 = 21। ठीक है, सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 1386 मीटर स्क्वायर यहां पे आएगा। ठीक है, अब फिर निकाल लेते हैं इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेल, इसका भी फॉर्मूला सेम रहेगा, 2πRh। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 × 22/7 × रेडियस हमारा कितना है 7 मीटर है, 7 मीटर इंटू हाइट कितना है 21 मीटर है। ठीक है, ये 7 और 7 यहां से हो जाएगा कट, तो कितना आ जाएगा, सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 924 मीटर स्क्वायर आएगा, यानी कि 2 × 22 × आप यहाँ पे 21 करेंगे तो आपको मिलेगा 924 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल एरिया टू बी रिनोवेटेड। ठीक है, हमारा टोटल एरिया कितना है जिसको हमको रिनोवेट करना है, आप लिखेंगे टोटल एरिया टू बी रिनोवेटेड। ठीक है, तो दोनों को हमको प्लस करना होगा, 1386 मीटर स्क्वायर प्लस 924 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम तो यहाँ पे दोनों को प्लस करेंगे कितना मिलेगा, 2310 मीटर स्क्वायर हमारा यहाँ पे आए। ठीक है, अब हम क्या निकालना है, हमको कि कॉस्ट निकालना है, कितना कॉस्ट लगेगा। ठीक है, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ रिनोवेटिंग आउटर एंड इनर कर्व्ड सरफेस एट रुपीस 25 per meter square। ठीक है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे किसका करेंगे, 2310 जो हमारा यहाँ पे एरिया निकला। ठीक है, मीटर स्क्वायर इंटू रुपीज 25। ठीक है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, रुपीज 57750 आएगा, यानी 57,750 रुपीज हमारा आएगा इस वेल को रिनोवेट कराने का अंदर और बाहर से। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हुआ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।